आज हम ऐसी मैगी बनाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ही खिली खिली और बहुत ही टेस्टी लगती है। मैगी तो सभी को पसंद होती है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद होती है, तो आप ये मैगी अगर अपने बच्चों को भी देंगे तो बच्चों को भी बहुत पसंद होगी और आपको भी ये बहुत अच्छी लगेगी। चलिए इस तरीके से आज हम मैगी बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर प्याज लिया है और प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे थोड़े से टमाटर। टमाटर को ऐड करने के बाद एक मिनट तक टमाटर को फ्राई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हरी मिर्चों को ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इन सभी तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर गाजर ऐड करेंगे। आप यहाँ पर अपनी पसंद के कोई और भी वेजेस यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तीन चीज़ें ली हैं और अभी यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालेंगे और इन सारी चीज़ों को दो मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। इसको पकाने के बाद हम यहाँ पर मैगी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर लिया है यप्पी नूडल्स, तो ये हमने यहाँ पर नूडल डाल दिए हैं और अभी हम इसका मसाला डाल देंगे जो भी हमारी मैगी से मसाला निकले। आप इसे चाहे तो मैगी में भी बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर यप्पी यूज़ करी है। और इसका सारा मसाला डालने के बाद बस इसमें पानी डालेंगे और इसको पका लेंगे। बस ये 3 से 4 मिनट के बाद तैयार हो जाएगी पककर, फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम ढक देंगे 3 से 4 मिनट तक। इसमें हमने पानी डाला है 1 कप और अभी आप देख सकते हैं इसका पानी सारा ड्राई हो गया, मैगी हमारी ड्राई हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट बटर में ही बना सकते हैं, ऑयल ना भी डालें। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बटर डाला, बटर मेल्ट हो जाएगा, फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो बटर हमारा मेल्ट हो चुका है और अब यहाँ पर हम मैगी को अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये मैगी हमने निकाल ली, आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली मैगी बनी है और बहुत ही अच्छी बनी है। और इस तरह से आप एक बार मैगी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ईजी है बनाना। अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक ज़रूर करिएगा।